जय माँ। माँ दुर्गा का आगमन हो चुका है, शंखनाद हो चुकी है, दुर्गा पूजा शुरू है, रामनवमी का आगाज हो चुका है और घर घर में खुशियों की लहर है माँ के आने की, और सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। और सेलिब्रेशन हो और पकवान ना बने तो ये कैसे हो सकता है। तो आज मैं कुक विद रीना चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ और इस शुभ मुहूर्त में एक पकवान आपके लिए उपस्थित करती हूँ। देखिए आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। बस तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको दिखाया था कि साबूदाना कैसे भिगोते हैं और कैसे दानेदार बन सकता है, उसको आप ज़रूर देखिए खिचड़ी बनाने से पहले, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। किस तरह से इसका स्टार्च निकाल के हम दानेदार साबूदाना ले सकते हैं, उसके बाद आप उसी विधि से साबूदाना को भिगो के फिर खिचड़ी बनाइए। तो इसके लिए जो सामग्री ली है मैंने, ये इधर एक कप दिखा रहे हैं, मैं एक कप और लूँगी, दो कप साबूदाना भिगोया हुआ, दो कप साबूदाना, और ये गाजर, फूल गोभी, बंद गोभी, और एक मैंने नींबू का पत्ता लिया हुआ है, मैंने गार्डन में उगा हुआ था इसलिए इसकी खुशबू बहुत अच्छी रहेगी। ये लिया है मैंने मटर, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। और अगर आप ये व्रत में बना रहे हैं तो व्रत में जो भी मसाले आप खा सकते हैं उसको इस्तेमाल करिए, अदरवाइज, और सेंधा नमक डालिए। अदरवाइज मैं इसमें अदरक और नमक डाल के, हल्दी डाल के बनाने वाली हूँ। ये जो आप सब्जियाँ देख रहे हैं ये आपके हिसाब से जो आपके पास अवेलेबल है सब कुछ डाल सकते हैं आप। इसमें बीन्स भी डाल सकते हैं, अभी लॉकडाउन है, मेरे पास घर में जो भी वेजिटेबल था मैंने उसको यूज़ किया है। आप मूंगफली के दाने तल के डाल सकते हैं इसमें। और ये तो इतना ओपन है कि आप अपने, आपके घर में बच्चों को या फैमिली मेम्बर्स को जो भी सब्जियां पसंद है उसको डाल के आप स्वादिष्ट बना सकते हैं। साथ में इसमें नींबू का रस निचोड़ के उसको आप सर्व करिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका। और बाकी जो मसाले पड़ेंगे, नमक हल्दी पड़ेगी इसमें, और मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, और जो भी सामग्री, जो भी इसकी क्वांटिटी है, रेशियो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आपको उससे पता चल जाएगा। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें मैं तेल डाल रही हूँ। तेल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने इधर रिफाइंड ऑयल लिया है, वेजिटेबल ऑयल, रिफाइंड ऑयल और ऑलिव ऑयल, जो आपको पसंद है, आप जिसमें भी बनाना चाहते हैं इसमें बना सकते हैं। कोई इसको सरसों के तेल में भी बनाता है, जो आपको कंफर्टेबल हो आप वही तेल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, इसमें अब मैं छौंक लगाऊंगी, एक साबुत लाल मिर्च, थोड़ा जीरा, सरसों, ये जब चटक जाए तो इसमें स्वाद के लिए मैं कुछ साबुत काली मिर्च भी डाल रही हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है जब काली मिर्च मुंह में आता है खाते हुए, आप इसको थोड़ा कूट के भी डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा करी पत्ता, फिर हरी मिर्च, हरी मिर्च मैंने चॉप किया हुआ है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, हरी मिर्च की खुशबू। अब इसमें जो बिल्कुल सख्त सब्जियां हैं उसको पहले डालेंगे, जैसे गाजर डाल दी, आप अगर चाहें तो गाजरों को थोड़ा पील करके भी डाल सकते हैं, वो पहले से थोड़े नरम हो जाएंगे।
गाजर और फूल गोभी टाइम लेगी, तो फूल गोभी भी मैं डाल देती हूँ। इसको हल्का सा रंग आने तक हम फ्राई कर लेंगे एक दो मिनट। अब इसको मैं फूल बंद गोभी डाल देती हूँ। ये सारी सब्जियाँ जब थोड़ा हम ढक के पकाएंगे तब और भी नरम हो जाएंगी, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम। और इससे थोड़ी क्रंची सब्जियाँ अच्छी लगती हैं। अब इसमें मैं मटर के दाने भी डाल देती हूँ। थोड़ी अदरक, रंग के लिए थोड़ी हल्दी, और हल्दी आजकल सभी चीज़ें हमको खाने के लिए, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, तो जब भी हम खाएं जो भी तो इस चीज़ का हमारे हेल्थ का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जिससे हमारी हेल्थ बनी रहे, इम्यूनिटी बढ़े, वो सामग्री हमको खाने में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसको बस थोड़ा सा और हम पकने देंगे। और इसमें मैं जो ये नींबू का पत्ता है इसको मैं थोड़ा तोड़ के मिला दूंगी। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डालिए। ये मैंने इसकी खुशबू के लिए डाला है क्योंकि बाद में मैं नींबू निचोड़ के परोसूंगी इसको, तो इसमें साथ में नींबू का स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। अब इस वक्त मैं इसमें नमक मिला दूंगी। ये मैंने पूरा एक चम्मच ले लिया है। इसके बाद जब साबुदाना मिलाएंगे उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि वो काफ़ी है कि नहीं। अब इसमें आपने लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा तीखा खाना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ी कूटी हुई लाल मिर्च डाल दीजिए, वरना आप रंग के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं। वो तीखी नहीं होती है, सिर्फ रंग आता है। ये सब्जियां हमारी बन गई हैं, तैयार हैं, फ्राई हो गई हैं। अब इसमें हम साबुदाना मिलाएंगे। ये देखिए कैसे मोटी और कैसे है, इस तरह से बिना चिपकी होनी चाहिए आपकी साबुदाना, तभी आपकी खिचड़ी चिपके भी नहीं और बिल्कुल मोती और जैसे दानेदार बनेगी। देखिए कितना सुंदर रंग आ गया है इसमें। साबुदाना बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं चिपक रही है। आप साबुदाना अगर सही तरह से भिगोएंगे तो आपकी खिचड़ी बहुत दानेदार, बिल्कुल मोती और जैसे खिली खिली बनेगी। अब इसका हम थोड़ा नमक में टेस्ट कर लेती हूँ। बिल्कुल सही गला हुआ है। अब ये जो साबुदाने का सफ़ेद रंग है ये अब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जब हम इसको थोड़ा सा ढक के पकाएंगे। इससे पानी नहीं डलता है, लेकिन ताकि नीचे चिपक ना जाए इसलिए आपको सिर्फ तेल ऐसे छींटा डालना है। ढकने से पहले थोड़ा छींटा डालना है इस तरह से, और इसको ढक देना है। अब ये ढक के कम 5 से 7 मिनट तक पकेगा, जब तक इसका रंग नहीं चेंज हो जाए और ये बिल्कुल जैसे जो इसके दाने हैं ये सफ़ेद से ट्रांसपेरेंट बन जाएंगे। तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, देखते हैं
काफी हद तक रंग बदल गया है, ये देखिए। ये कांच की तरह लगने लगे हैं, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सफेद दाना नजर आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी देर और बनेगा। बिल्कुल ये सारे कांच जैसे हो जाएंगे तब इसका मतलब होगा कि आपकी खिचड़ी बिल्कुल तैयार है। पांच मिनट पहले ढके थे, अब थोड़ी देर और ढक के हम देखते हैं। चलिए 2 मिनट और हो गए हैं, अब देखिए ये बिल्कुल तैयार है। सारे दाने कांच जैसे चमक गए हैं। अब आप इसको नींबू का रस, हरा धनिया ऊपर से डाल के इसको सर्व करिए। तो फ्रेंड्स व्यूअर्स, आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपने कैसे दानेदार खिचड़ी बनानी है वो आप इस वीडियो को देख के ज़रूर बनाएं और बताएं, आपका एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपसे सही बना कि नहीं। अगर कोई ग्लिचेस है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मुझसे पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और इस लाइक बटन को ज़रूर दबाइए और जो बेल आइकॉन है उसको दबाइए ताकि जो भी मेरी रेसिपीज है आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद, फिर नई रेसिपी लेके आपसे फिर मिलेंगे।